सुनील देवधर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी के नेता हैं, उत्तर पूर्व का काफी ज्यादा बड़ा प्रभार भी समय समय पर आपको मिलता रहा है। सुनील देवधर जी, त्रिपुरा में बीजेपी की प्रचंड लहर, 60 में से 50 के रुझान निकलकर सामने आए हैं, 40 पर बीजेपी की बड़ी बढ़त कायम है, इसका श्रेय किन तीन मुद्दों को मिलता है? सुनील जी, सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गए 8.5 वर्ष में देश की राजनीति बदल दी है, नैरेटिव्स बदल दिए हैं, विकास की राजनीति हो रही है और सारे चुनाव चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये प्रो इनकम्बेंसी पे लड़े जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड पर लड़े जा रहे हैं। हमने वादे क्या किए थे, हमने उसमें से कितने पूरे किए और किस कुशलता से पूरे किए। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को राज्य सरकारें जहां भाजपा की है अक्षरशः जमीन पर उतारती है और उसका परिणाम आपको चुनावों के परिणामों में विधानसभाओं में देखने को मिलता है। और जिस बुरे दौर से त्रिपुरा गुजरा है, 35 वर्ष कांग्रेस रही, 35 वर्ष CPM रहा, एक दूसरे में भयंकर दुश्मनी थी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, जमीनें हड़पना, हत्याएं करना, केसेस डालना, तो ये दोनों एक आने के बाद इनका नीचे का कैडर नहीं मानेगा, ये पहले से हम जानते थे। नीचे वोट ट्रांसफर होने वाला नहीं है, ये भी हम जानते थे, जो आपके सामने परिणाम के रूप में दिखाई दे रहा है। बीजेपी के विकास कार्यों को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, केंद्र से पैसा भेजा जाता है, लोगों तक नहीं पहुंचता है, आपने उनसे गठबंधन तोड़ा, अकेले चुनावी मैदान में गए, लेकिन बीजेपी से ज्यादा, डबल से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई रुझानों में उनको दिखाई दे रही है। एनपीपी 26 पर, बीजेपी 12 पर मेघालय में। देखिए, मेघालय के अंदर एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो ईसाई बहुल राज्य है और ईसाई बहुल राज्य में एक बहुत बड़ा नैरेटिव कि बीजेपी एंटी क्रिश्चियनिटी है, ये जानबूझकर कांग्रेस भी फैलाती थी और बाकी दल भी फैलाते थे और इसलिए चुनाव में गठबंधन करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, ये क्योंकि उनको अनटचेबिलिटी लगती थी। लेकिन इस बार के जो आपको रुझान दिखाई दे रहे, जो परिणामों में बदल जाएंगे और मेघालय में बहुत बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जैसे सामने आई, आपने देखा होगा जो शिलोंग में रोड शो हुआ था मोदी जी का, वो ऐतिहासिक था एंड इट वाज टर्निंग पॉइंट इन मेघालय इलेक्शंस। ठीक है, और शायद यही वजह है कि देखिए 12 सीटें, 2 थी आपकी पिछली बार, 10 का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब ये सब बातें छोड़िए, अब आपको फिर से कॉनराड सांगवा के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, मिलाइएगा ना अगर सरकार बनानी हो तो। देखिए, मेघालय के हित में जो भी मैंडेट रहेगा उस पर पार्टी निर्णय लेगी। अल्टीमेटली हम लोग राजनीति जनता के लिए करते हैं और जनता जो मैंडेट देती है उस मैंडेट के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए सुनील देवधर जी हमारे साथ। उन्होंने कहा मेघालय के हित में, और यही वो हित है जी, जिसकी बात करके सब आपस में फिर गठबंधन कर ही लेते हैं। और ऐसा ही लग रहा है 26 पर प्लस 12 38 हो जाएंगे और वैसे स्पष्ट जनादेश एक बार फिर से मतलब प्रो इनकम्बेंसी ही मामला होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अलग अलग लड़े हैं और एक दूसरे के खूब खिलाफ प्रचार किया है। पीएम ने शिलांग में बहुत बड़ा रोड शो किया था। 12 सीटें इस बार बीजेपी को आती हुई दिख रही हैं। ईसाई बहुल राज्य है मेघालय और नागालैंड दोनों, इस बात पर नजर रखिएगा।